ये पहले आग जला लेते हैं, और ये है। तो राम राम दोस्तों, दूल्हा फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अभी दोपहर का 4:45 हो रहा है, मतलब शाम हो रहा है अभी। और इधर हम लोग का मूँगफली इधर यहाँ से बाकी है इस साइड में, और इधर का तो तोड़ के ले गए हैं। और उधर नींदना बाकी है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है ना, पूरा ज़मीन सूखा हुआ है। 5-6 दिन से नहीं बारिश नहीं हुआ है, लगातार धूप कर रहा है, इसी कारण थोड़ा मजबूती हो रहा है, ज़मीन थिन्ना कर रहा है। तो आज फिर आया हूँ यहाँ, और यहीं रहूँगा अभी। सभी लोग चले गए हैं घर, अभी यहीं रहेंगे हम लोग, मतलब मैं थोड़े देर। इधर खेत से आते हैं, खेत है इधर, 1-2-3 ठो है छोटा छोटा, तो वहीं चलते हैं, धान को एक बार देख के आते हैं, फिर आग उग जलाएंगे वहाँ। और आज अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान आए हैं ना, तो वहाँ थोड़ा खाना वाना बनाएगी मेहमानों के लिए, और आज अकेला रहना पड़ेगा यहाँ। और अभी हमारे तरफ का ये जंगल गांव देहात वाला, शाम का समय देखिए, सूर्य भगवान इधर डूब रहे हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब किया हुआ है। लगता है बारिश वारिश हो जाएगा तो अच्छा, हम लोगों का मूँगफली नींद आएगा। तो यहाँ देखिए, हम लोग का चार में पूरा बंधा घेर दिया है, इसको छीलना पड़ेगा डाल डाल को। और यहाँ पूरा झुंझ है, और फिर गर्मी आएगा, फिर पत्ता उत्ता झड़ जाएगा, फिर खुला हो जाएगा। और इधर लगाए थे हम लोग उरीद, तो चलते हैं अब। और यहाँ से है हम लोग का गांव का सिवाना इस साइड में, और उस साइड है झगरपुर, वहाँ से जाके देखेंगे तो झगरपुर दिखेगा, पूरा रोड भी दिखता है, रायगढ़ रोड और रायगढ़ और लेलूंगा रोड वो दिखता है, क्योंकि इधर पूरा घटिया है, मतलब घाट है उस पार पूरा चढ़ो, ये पहाड़ टाइप का है ये जो हम लोग का टिकरा है वो। और उधर खेत है, खेत के बाद झगरपुर। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से घूम घाम के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो शाम भी हो गया, देखिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, तो चलिए यहाँ आग जला देते हैं, और एक पन्ना से सुलगाएंगे, ये खाई वाला पन्ना, इसी से आग जलाएंगे। और उधर है मेरा खाना, तो चलिए अभी ये पहले आग जला लेते हैं। और ये है, और जंगल में रात को यही एक सुरक्षा है, कहीं भी मतलब घर के बाहर आग जलाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुरक्षा करता है, इसीलिए आग जला देना चाहिए। अभी तो खेतों तरफ भी नहीं जाते हैं, जैसे धान उन काटते हैं, तो पहले ज़माने में मतलब हमारे पिताजी दादाजी उनके ज़माने में जाते थे, तो पहले भी आग जलाते थे खेत में, खेत तरफ ऐसे बैठे थे पेड़ के नीचे, और झाला वाला भी बना लेते थे, वहाँ बैठ के आग जलाते थे ऐसे। तो वही परंपरा को निभा रहे हैं हम लोग भी, यहाँ आग जला देते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ सांप ही बीटा सा लिए हैं, तो चलते हैं अब आग जलाने, और फिर मिलते हैं। और शाम भी हो रहा है, ये देखिए
जंगल तरफ तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो और भी अंधेरा हो गया है, ये देख सकते हैं। और इधर हम लोग का आग भी जल गया, बड़ा मुश्किल से सुलगा है, ये देखिए कैसा जल रहा है। और मौसम थोड़ा ख़राब है, रात रात को बारिश हल्का हल्का गिर देता तो थोड़ा हम लोग का मूँगफली नींदने में थोड़ा आसानी हो जाता। तो चलिए पहले खाना उना खा लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा उजाला है, बाद में और अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए अब खाना उना खा लेते हैं। माचिस को यहाँ रख देते हैं, छोटा सा पन्ना बाकी है, इसको भी यहाँ रख देते हैं, सुरक्षित रहेगा, जाते समय इधर कर देंगे। तो चलिए अभी भी अच्छा से सुलग गया है। और इधर जंगली सुअर भी आते हैं, इधर से इधर बड़ा वाला जंगल है, यहीं से आते हैं, इसलिए आग जलाना ज़रूरी है। अच्छे से सुलग जाएगा तो नहीं लगेगा, सुलग ना थोड़ा देरी हो रहता है, उसके बाद सुलग जाएगा, फिर तो आसानी हो जाएगा। तो चलिए खाना उना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अंधेरा हो गया है पूरा, ये देखिए। और इधर हम लोग का आग भी जल रहा है, अभी लाइट जलाए हुए हैं, इधर देखिए पूरा अंधेरा, और हम लोग का बस्ती इधर है, और इधर है जगरपुर, ये देखिए इधर लाइट दिख रहा है हल्का हल्का यहाँ, और हमारे तरफ यहाँ दिखता है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, बैठ के दिखता है। तो चलिए खाना उना तो खा लिए हैं उधर, और इधर देखिए ऊपर पूरा बादल ख़राब, तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। और अभी तो अकेले हैं यहाँ जंगल में, तो चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलते हैं अब मिलते हैं कल।